गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट है आपका साइंस। साइंस में हम लेसन थ्री पढ़ रहे थे। लेसन थ्री में हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। एनिमल्स लाइक फिश, स्नेल, टोटल एंड क्रैब लिव इन वाटर। दे ब्रीथ एयर, डिसॉल्व्स इन वाटर थ्रू देयर गिल्स। फिश हैज ए स्टीम लिम्ब्ड बॉडी दैट रिड्यूस फ्रिक्शन व्हाइल स्विमिंग इन वाटर। इट हैज फिन्स दैट हेल्प इट टू स्विम एंड बैलेंस इटसेल्फ इन वाटर। इट टेल्स हेल्प्स इन चेंजिंग डायरेक्शन। सम एक्वाटिक एनिमल्स लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। एनिमल्स जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो एक्वाटिक एनिमल्स कहलाते हैं। एनिमल्स जैसे फिश, स्नेल, टर्टल एंड क्रैब ये सारे वाटर में रहते हैं। ये वाटर की सहायता, ये अपने गिल की सहायता से वाटर में ब्रीथ करते हैं। फिश हैज स्टीम लिम्ब्ड बॉडी, कहते हैं जो फिश होती है वो स्टीम लिम्ब्ड बॉडी होती है। जो जब वो स्विमिंग करती है वाटर में तो उसके फ्रिक्शन को जो रिड्यूस करने के लिए उसमें स्टीम लिम्ब्ड बॉडी होती है। इट हैज फिन्स दैट हेल्प इट टू स्विम। फिश के अंदर क्या होते हैं, फिन्स होते हैं जो उसे स्विम करने में मदद करते हैं और अपने आप को वाटर में बैलेंस करने में भी मदद करता है। इट टेल्स हेल्प, जो इसकी टेल्स होती हैं वो इसको डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है। सम एक्वाटिक एनिमल्स, जो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि व्हेल्स और डॉल्फिन जो होती है, लंग्स की सहायता से ब्रीथ करते हैं। अब इसके बाद आता है एम्फीबियंस। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टॉक्स एंड सेलमोनिड्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कहते हैं सम एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग, टॉक्स एंड सेलमोनिड्स क्या होते हैं, दोनों जगह पे रहते हैं, वो वाटर और लैंड दोनों जगह पे रहते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ये एनिमल्स क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं। दे हैव लंग्स, इनके अंदर लंग्स होते हैं जो इन्हें विच हेल्प देम टू ब्रीथ, जो इन्हें ब्रीथ करने में मदद करते हैं। ऑनलाइन लैंड में इन्हें ब्रीथ करने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो हैव ए मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर। इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है जो इन्हें वाटर में ब्रीथ करने में मदद करती है। अब आता है आपका अर्बोरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स। क्या एनिमल्स जो अपना ज़्यादातर टाइम पेड़ों पर स्पेंड करते हैं वो अर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स, इनकी जो आर्म्स होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, लेग्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और क्लॉज विच हेल्प देम टू क्लाइम ट्रीज, जो क्लाउज होता है इनको वाटर में पेड़ों में चढ़ने में मदद करता है। एनिमल्स लाइक मंकीज, सच एज द स्पाइडर मंकीज, हैव ए वेरी लॉन्ग टेल। दे यूज इट इन मूविंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। ऑरंगुटन्स ऑल्सो स्पेंड ए ग्रेटर पार्ट ऑफ दियर लाइफ ऑन ट्रीज। दियर लॉन्ग आर्म्स आर वेल सुटेड टू दियर लाइफ स्टाइल। एनिमल्स लाइक मंकी, एनिमल्स जैसे कि मंकी हो गए ये, और या फिर स्पाइडर मंकी, दे हैव ए लॉन्ग टेल, इनकी एक लंबी पूछ होती है। दे यूज इट इन, ये पेड़ों की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मदद लेते हैं अपनी पूछ की सहायता से। ऑर्गेंटन्स ऑल्सो स्पेंड, जो ऑर्गेंटन्स होते हैं ऑल्सो स्पेंड अपना जो ज़्यादातर टाइम अपने पेड़ों पर व्यतीत करते हैं। इनके लॉन्ग सांस होते हैं जो इनके लाइफ स्टाइल को बहुत ही स्वीट करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट टुमारो, थैंक यू।